पहले भारत में आप जानते हैं आजादी के पहले 565 रियासतें थी, तो 565 राजा थे, तो एक दो राजा एक दो विदेशियों को बुलाता था। अब भारत में क्या है कि सभी राज्य मिलकर एक यूनियन हो गया है और राजा पूरा का पूरा एक है, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरा हो, वो सीधे ही बुला लेता है और पूरे भारत को लूटने का अधिकार दे देता है और लाइसेंस दे देता है। और दुर्भाग्य हमारे भारत देश का ये है कि हमारी जो साधारण जनता है, साधारण जो लोग हैं, कॉमन पीपल जो है, उनको ये सब कुछ मालूम नहीं है कि हमारे देश में किस तरह से ये सब होता है। और मुझे तो इससे भी ज्यादा दुख इस बात का होता है कि साधारण लोगों को मालूम नहीं है तो एक बार उनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन भारत में ये जो पढ़ा लिखा क्लास है, जिसको एजुकेटेड आप कह सकते हैं और आप चाहें तो उसको बेस्ट क्वालिटी ब्रेन कह सकते हैं दुनिया का, इसको भी इन सब विषयों में कोई रस नहीं है और कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। जो भरत भाई बार बार कहते हैं ना, जगे हुए को कैसे जगाओगे, ये जो जगा हुआ क्लास है, ये इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, वो सब जानते हैं कि भारत की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, लेकिन कभी गाँव गाँव जाके लोगों को बताएं, समझाएं, बातें करें, इस पर कोई प्रयास ही नहीं करते हैं और इससे कैसे जूझें और इसमें समस्या का क्या समाधान निकले उसमें भी कोशिश नहीं करते।